हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम ग्रेड 5 सब्जेक्ट हिंदी में चैप्टर नंबर 7 देखेंगे, खाना खजाना, जो कि एक चित्र पाठ है। खाना खजाना, नाम सुनते ही कुछ ऐसा लगने लगे कि आज कुछ खाने की बात होने वाली। नहीं, यहाँ पर आप थोड़े गलत हो। हम खाने की बात तो करने वाले, पर खाना जहाँ बनता है उस प्लेस के बारे में हम बात करेंगे। मतलब कि आपके मम्मा खाना कहाँ बनाते हैं? यस, यू आर राइट, आपके घर के किचन में, है ना? रेगुलरली मम्मा खाना बनाती है किचन में, तो किचन के बारे में आज हम ये खाना खजाना जो चैप्टर है उसमें जो किचन और किचन के अंदर यूज होने वाली सारी चीजें उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने किचन के बारे में देखें, तो सबसे पहले सबके घर के किचन के बारे की बात करें तो कॉमन बातें हम ले, तो सबसे पहले आएगा कि आपका स्टैंडिंग प्लेटफॉर्म, कि जहाँ पर मम्मी रसोई करते हैं, जहाँ पर आपका गैस का चूल्हा होता है। तो सबसे पहले आएगा स्टैंडिंग किचन, जो स्टैंडिंग प्लेटफॉर्म है वो, तो स्टैंडिंग प्लेटफॉर्म पर हम काम करते हैं, मतलब कि खड़े खड़े आराम से काम कर सके, ऐसी फैसिलिटीज अभी के जो घर होते हैं उसके किचन में होती है। तो स्टैंडिंग किचन जो है, स्टैंडिंग प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर क्या होगा, तो कि गैस का चूल्हा होगा। पर अभी कुछ नया आया हुआ है कि अभी हमें गैस का सिलेंडर लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अभी गैस की पाइपलाइन भी हमारे घर में मौजूद होती है। कई कई जगह पर यह सुविधा उपलब्ध है। तो सबसे पहले हम हमारे किचन की बात करें तो सबसे पहले आएगा घर में स्टैंडिंग प्लेटफॉर्म, उसके बाद आएगा वो स्टैंडिंग प्लेटफॉर्म जो है उसके ऊपर रखा हुआ गैस का चूल्हा, उसके बाद बाजू में एक पानी का नल होगा, वो स्पेसिंग होगा जहाँ पर आप फल और सब्जियाँ सारी धोकर उसको यूज़ करते होंगे। उसके बाद घर में एक साइड कॉर्नर साइड होगा फ्रिज। फिर बाद में देखा जाए तो आपके घर में कई सारे ड्रॉअर होंगे जहाँ पर आप अपनी जो किचन की सामग्री है, किचन के जितने भी चीज वस्तु है वो सारी आप उस ड्रॉअर में रखते होंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा डिब्बे, तो कई सारे डिब्बे किचन में होंगे, सबके अलग अलग डिब्बे, आटा का अलग डिब्बा होगा आटा रखने के लिए, चावल की अलग, दाल के लिए अलग, चाय रखने के लिए छोटा वाला डिब्बा, फिर चीनी रखने के लिए अलग से डिब्बा, तो सारे डिब्बे होंगे। उसके बाद वहाँ पर तेल का एक डिब्बा होगा, जो तेल आप यूज करते हो बराबर, वो तेल का डिब्बा होगा। उसके बाद देखा जाए तो एग्जॉस्ट फैन लगाया हुआ होगा कि घर में जो भी रसोई करते हो उससे जो भी गर्म हवा, मतलब कि जो भाप निकलती है वो बाष्प को बाहर निकाला जाए, ऐसी सुविधा अभी सारे घरों में होती है। तो ये सारी जो चीज है वो हम हमारे घर के जो किचन होता है उसमें देखते हैं। तो आज हमें देखना है कि हमारा जो चित्रपाट है उसमें क्या सुविधा है, या चित्रपाट में हमें चित्र को देखकर उसका वर्णन करना है। तो देखते हैं कैसे उसका वर्णन होगा। सबसे पहले तो हम देखेंगे हमारा चित्र। आप देख सकते हो यहाँ पर कि हमें एक अच्छा सा चित्र दिया हुआ है। चित्र में देखा जाए तो सबसे पहले हमें नजर में आएंगे माता जी। आप देख सकते हो माता जी क्या कर रहे हैं, तो माँ जो है वो रोटी बना रही है, आप सब देख सकते होंगे। और बाजू में एक जो है आटा वाला एक पात्र है, उसके बाजू में एक थाली है जिसमें सेकी हुई रोटियां रखी हुई हैं, उसके बाजू में एक गैस का चूल्हा है, चूल्हे पर एक गैस का चूल्हा जो है उसके एक साइड पर रखा हुआ है कुकर, जहाँ पर कुछ सब्जियां बन रही है, और बाजू के जो चूल्हे है चूल्हा है उसके ऊपर रखा हुआ है तवा, और माँ उसमें रोटियां सेक रही है। अच्छी तरीके से देख सकते हो आप सब। अब थोड़े आगे आए तो गैस के चूल्हे के थोड़े आगे की ओर एक पानी का बर्तन रखा है, मटका, वो मटका दिखाई दे रहा है। फिर माँ के बरोबर बाजू में बेटा है जो क्या कर रहा है, जी हाँ, खाना खा रहा है। अब बेटे के पीछे की ओर चलते हैं तो पीछे दादी माँ बैठी हुई है। अरे वाह, दादी माँ के हाथ में क्या दिख रहा है, पुस्तक दिख रहा है, मतलब कि दादी माँ पढ़ाई कर रही है, मतलब कुछ पढ़ रही है, धर्म ग्रंथ होगा कोई भी उसे वो पढ़ रही है। उसके बाद दादी माँ के बरोबर सिर के ऊपर देखो आप तो
तो वहां पर हमें एक खिड़की दिखाई दे रही है, और वो खिड़की की बाहर की ओर जरा नजर कीजिए, क्या दिखाई दे रहा है? जी हाँ, खिड़की की बाहर हमें एक बड़ा सा बादल दिखाई दे रहा है। अब खिड़की की थोड़ी साइड में हम जाए तो अलमारी दिख रही है सबको। हाँ, अलमारी का जो पहला खाना है, वो पहले खाने में फल और सब्जियों की टोकरी रखी हुई है, और थोड़े चम्मच वहां पर लटकाए हुए दिख रहे हैं। अलमारी की दूसरी ओर ऊपर की तरफ एक दूसरा खाना दिया हुआ है, जहां पर हमें डिब्बे दिख रहे हैं। हो सकता है कि वो अचार के डिब्बे हो, बराबर। बाजू में एक और दूसरा, दो डिब्बे अचार के दिख रहे हैं, बाजू में एक और डिब्बा है, हो सकता है वो चावल या दाल का डिब्बा हो, या तो फिर चीनी का डिब्बा हो सकता है। अब वो अलमारी के बाजू में, बाजू की दीवार पर आपको दूसरी अलमारी दिखाई दे रही होगी, दिखाई दे रही है। तो ये जो अलमारी दिखाई दे रही है, वो अलमारी में भी आप देख सकते हो कि ऊपर वाले जो खाना ऊपर वाला दिया है, वो सब में बहुत सारे डिब्बे हैं। तो अलग अलग चीज वस्तुएं के अलग अलग डिब्बे वहां पर दिखाई दे रहे हैं। उसके नीचे वाले साइड में आइए तो हमें केतली दिखाई दे रही है, और उसके बाजू में थालियां रखी हुई दिखाई दे रही है, उसके नीचे चार या पांच जार हमें दिखाई दे रहे हैं, बराबर है। तो ये सारा जो है वो किचन का पूरा चित्र हमें बताया गया है। तो हमारे घर में भी सेम इसी तरह की वस्तुएं होती रहती है। तो सबसे पहले हम देखें कि माता रसोई घर में क्या कर रही है। तो चित्र में आपने देखा माता रसोई घर में क्या कर रही थी। जी हाँ, क्या कर रही थी? रसोई बना रही थी। एक बाजू उन्होंने रोटियां बेल रहे थे, दूसरी बाजू में कुकर रखा हुआ है, सब्जी बन रही है, मतलब माँ रसोई बना रही है। उसके बाद दादी माँ क्या कर रही दिखाई दिया। तो दादी माँ जो है वो पुस्तक पढ़ रही है। बाद में लड़का क्या कर रहा है? तो लड़का खाना खा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि रसोई घर में कौन कौन से बर्तन दिखाई दिए। तो रसोई घर में हमने कुकर देखा, तवा देखा, उसके बाद थालिया, केतली, गिलास, बराबर है, डिब्बे, टोकरी, ये सारी चीजें, चम्मच, ये सारी चीजें हमने इसमें देखी। अब टोकरी में कौन सी सब्जियां होगी और कौन से फल होंगे, तो जरा सोचिए कि यदि आपका घर हो तो आपके घर की टोकरी में क्या होगा। तो सबसे पहले कॉमन चीजें लेते हैं सब्जियों के बारे में। तो सब्जियों में देखा जाए तो सबके घर में आलू होता ही है, प्याज लगभग होती है, उसके बाद मिर्च, धनिया, ये चार चीजें, अदरक, ये चार पांच चीजें तो कंपलसरी घर में होती ही है। उसके बाद आगे बढ़े तो भिंडी, बंद गोभी, उसके बाद देखें हम तो और कई सारी ऐसी चीजें कि जो वहां पर होगी, जैसे कि लौकी, ठीक है। तो ये सारी सब्जियां टोकरी में होगी। बाद में बात करते हैं फल। तो फल में देखा जाए तो कौन से फल होंगे, एक तो होगा केला, दूसरा आएगा सेब, जो हर घर में होता ही है, लगभग होता है। सेब खाना सेहत के लिए अच्छा है, डॉक्टर ऐसा कहते हैं कि यदि आप रोज एक सेब खाते हो तो आपको डॉक्टर के पास आने की जरूरत नहीं है। तो रोज एक सेब खाना स्टार्ट कर दीजिए। फिर अंगूर होंगे और कई सारे फल वहां पर हो सकते। अभी कोरोना टाइम चल रहा है तो सबके घर में नींबू भी होगा, फिर अनार होगा, उसके बाद संतरा होगा, क्योंकि संतरा सेहत के लिए भी अच्छा है और इम्यूनिटी बढ़ाता है। ये कोरोना के समय में तो सबने संतरे बहुत खाए है ना, नींबू जूस बहुत पिया। तो ये सारे फल यहाँ पर होंगे। अब बात करते हैं खिड़की के बाहर क्या दिखाई दे रहा है। तो हमें खिड़की के बाहर क्या दिखाई दे रहा था? जी हाँ, खिड़की के बाहर हमें दिखाई दे रहा था एक बड़ा सा बादल। अब अलमारी के डिब्बे में क्या क्या है? तो अलमारी के डिब्बे में क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है अचार, चावल, दाल, चीनी, ये सारी चीजें अलमारी के डिब्बों में हो सकती है। नेक्स्ट है, आपके रसोई घर में क्या क्या है जो इस रसोई घर में नहीं है। तो मैंने बताया
कि हमारे रसोई घर में सबसे पहले आएगा फ्रिज है, यहाँ पर फ्रिज नहीं है। हमारा रसोई घर है उसका प्लेटफॉर्म स्टैंडिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर माँ नीचे बैठी हुई दिखाई दे। फिर हमारे घर के अंदर एक्वा गार्ड होगा, आरओ प्लांट, यहाँ पर ऐसा कुछ आरओ जैसा दिखाई दे रहा नहीं है। तो ये सारी चीजें जो हमारे घर पे है पर इस घर में दिखाई दे रही नहीं है। अब माता कहाँ बैठी है, तो माता आप देख सकते हो रसोई कर रही है, मतलब माता गैस के चूल्हे के पास ही बैठी है, ठीक है। तो ये था हमारा खाना खजाना चैप्टर। आई होप कि किचन के बारे में सारी चीजें आपको पता ही होगी, बराबर है। फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार किचन में माता जब रसोई करती है तब आप जाइए और माता के साथ रहकर वो सारी चीजें जो हमने ये चित्र में देखी, क्या आपके घर में वो है कि नहीं, एक बार नजर कीजिए, अच्छा लगेगा। और दूसरी बात कि माँ अकेले ही ऐसे नहीं जिनको खाना बनाना चाहिए। प्रश्न पूछा जाए कि क्या सिर्फ माँ को ही खाना बनाना चाहिए, तो नहीं, ये दायित्व सिर्फ माँ का नहीं है। हाँ, हर घर में माँ ही खाना बनाते हैं, पर पापा भी खाना बना सकते हैं, बड़े भाई बड़ी बहन भी खाना बना सकती है, दादा दादी भी खाना बना सकते हैं घर में। ऐसा जरूरी कंपल्सरी कि माँ ही खाना बनाए, ठीक है। यदि आपको, आप भले छोटे ही हो गए, यदि आपको भी जो खाना पकाना आता हो तो आप भी खाना बना सकते हो। पर हाँ, आप जब खाना बनाते हो तब आपके साथ कोई बड़ा व्यक्ति आपके साथ होना जरूरी, क्योंकि आप छोटे हो इसीलिए। तो आई होप कि आप अपने मम्मा को एक अच्छी सी रेसिपी बनाकर खिलाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच।